हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 11th का, और 4 एक्सरसाइज हमने कर ली। आज हम करेंगे 5th एक्सरसाइज, और 5th एक्सरसाइज में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब तक हमने सेट को पढ़ा, सेट का डेफिनेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टाइप ऑफ सेट कर दिए, सबसेट कर दिया, यूनियन इंटरसेक्शन कर दिया, यूनिवर्सल सेट कर दिया, पावर सेट कर लिया। तो अब जो इस पे अपना जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कोई ज़्यादा सी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा। क्या है, लेट यू, पता है ना, यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ U, then A complement of A, complement of A is denoted by A, complement of A, इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है, complement of A, and ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। सुनवाया, यू से मतलब यूनिवर्सल सेट में ए हम माइनस कर देंगे। कैसे, बी लेट यू है अपना 1, 2, 3, 2 है 10, क्लियर हो गया, और ए जो सेट है अपना है 2, 4, 6, 8, 10। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में अगर ए माइनस करते हैं, यानी कि इसमें से कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, ये वाले हट जाएंगे, इसका मतलब ये होता है जो ए में नहीं है। तो ये आ गया अपना, क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट, ये है अपना कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज वो वेरी सिंपल है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, क्लियर है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर दोबारा से उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो यू में नहीं होगा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखते हैं उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई, फाई का करेंगे, फाई पता है, ये कॉम्प्लीमेंट तभी निकलेगा जब अपने को यूनिवर्सल सेट देगा, हर क्वेश्चन में अपने को यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा, ठीक है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यूनियन इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, देखो साइन उल्टा कर देते हैं, अगर अलग अलग से करें तो ये इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अगर हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन से मतलब पता है ना, कॉमन, ए और बी में जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन है तो हो जाएगा यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, और अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और कुछ और अगर हम करें प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट,
देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट रटने की जरूरत नहीं है, अभी हम वेन डायग्राम और करेंगे उसमें। वेन डायग्राम का मतलब डायग्राम बना के, देखो वेन डायग्राम ये होता है, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मान लो ये अपना यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए कोई सेट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सब सेट है। तो यहाँ ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, ये वाला एरिया, ये प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है यूनिवर्सल सेट का, ये यूनिवर्सल सेट हो गया जो ए में नहीं है, ये वाला एरिया। इन दोनों का अगर हम करते हैं यूनियन, यानी कि इसको और ये वाला ए आ गया और ये क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया अपना, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट बन गया अपना, ठीक है। और यहाँ से इसी का देखें तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाई। ये कुछ प्रॉपर्टी है, और वेन डायग्राम आएगा जिसमें हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, तो वो जैसे अपने क्वेश्चन आएंगे उसके साथ में। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है, सिंपल तो सारे ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है अपने को, यूनिवर्सल सेट दिया है, अब दिया है हमें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे दिया, और ए बी सी तीन सेट दे दिए। आप देखोगे ए में 1 2 3 4 है, क्लियरली ये सबसेट है, बी है 2 4 6 8, ये भी यूनिवर्सल का सबसेट है, सी 3 4 5 6, ये भी सबसेट है। फाइंड हमें करना है, तीन सेट दे दिए, फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, सेकेंड खुद से कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, U माइनस ए, और U को लिख देना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस ए कौन सा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। डिफरेंस माइनस सब्ट्रैक्ट करना आता है हमें, क्या होता है अभी U माइनस ए में U के बचेंगे और कौन से कैंसिल हो जाएंगे, जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, 5 6 7 8 और 9 हो रहा है, सॉरी इसमें यू में क्या है, 9 हो रहा है, तो 5 6 7 8 9, क्लियर है। ये अपना क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये अपना आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट कर लोगे। थर्ड में है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, पहले हमें निकालना है ए और सी का यूनियन, देन कॉम्प्लीमेंट। यूनियन निकालना आता है फिर भी चलो यहां कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड है ए, हाँ जी थर्ड पार्ट जो स्टूडेंट हमें जो करना है वो है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले कर लेते हैं नाउ ए यूनियन सी, ठीक है। देखो यहाँ दो चीज़ है, अगर कहीं माइंड में ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न ना हो कि ये यूनिवर्सल ये सेट है और ये यूनियन का मतलब दो सेट के बीच का ऑपरेशन है, दो सेट के बीच का ऑपरेशन है और ये एक सेट है, समझ में आई, ये फ़र्क है दोनों का। तो ए यूनियन सी करेंगे तो ए है अपने पास में 1 2 3 4, यूनियन सी आ गया, सी क्या है, सी है 3 4 5 6, इनका करोगे आप यूनियन करोगे तो क्या आ गया 1 2 3 4, एक साइड तो पूरा लिख लिया, दूसरे में 3 4 आ गया, उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्या आ गया 5 6, और इनका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ कर देंगे आगे, नाउ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, यानी कि क्या आया था ए यूनियन सी जो सेट आया था वो क्या आया था अपना 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यानी कि ये आ गया यू माइनस ये, और ये यू को देखेंगे तो यू अपने पास ये सेट है, तो 1 2 3 4 5 6,
यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, या फिर यहाँ पर डिफाइन करो तो कर देना यू माइनस ए यूनियन सी। यू का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस में क्या आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये माइनस करेंगे तो यहाँ तक माइनस हो गए, क्या बचा अपने पास में 7, 8, 9, क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट हो गया अपना, फोर्थ में ए यूनियन बी निकालना है, फिर आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट करना हो जाएगा। फिफ्थ में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ का, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, वैसे तो सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिफ्थ पार्ट में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब पहले हम निकाल लेते हैं नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था वही लिखना है, यानी कि यू माइनस ए किया तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक माइनस हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 5, 6, 7, 8, 9 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ गया, अब यूनिवर्सल में से ये माइनस करेंगे, यहाँ से लेके ये माइनस करेंगे, क्या आ गया 1, 2, 3, 4, तो आ गया 1, 2, 3, 4, यानी कि क्या आ गया अपना ए आ गया। यही इसने बताने की कोशिश की है। और सिक्स्थ पार्ट में कहता है बी माइनस सी, माइनस करना आता है हमें, माइनस ही कर रहे थे हम यहाँ, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। और तो ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, अभी सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, मे भी कर लेंगे, स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट कर दें, पर्सनल मैसेज कर दें, हम उनको सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, इफ़ यू दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें, कौन कौन सा है, ए ए दिया है ए बी सी, बी दिया है डी ई एफ जी, सी दिया है ए सी ई जी, और डी दिया है एफ जी एच ए, तो हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा डी ई एफ जी एच, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, कर लोगे आप। करते हैं थर्ड करते हैं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट किसको मानना में, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, यानी कि यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है ना अपना, यानी इंप्लाइज दैट यू क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 2, चलता गया इन्फिनिटी तक, तो इनका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट में एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर। नाउ लेट ए, इस सेट का नाम डाल देना फर्स्ट में लेट ए, ठीक है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा यू माइनस ए, यानी कि यू क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस क्या हो जाएगा एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर का सेट है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, क्या बचेगा पूरे इसमें से इवन निकाल दें 2, 4, 6 निकाल दें, क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर होते हैं उसमें दो तरह के नंबर होते हैं ना, इवन प्लस ओड, दोनों को अगर इवन प्लस ओड को मिला दें तो नेचुरल बन जाता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे क्या बच जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन ओड नंबर। और सेकंड जो पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में ये कहता है कि लेट बी, सेकंड पार्ट में है
बी है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज एन ओड नंबर। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करें, ओड नंबर का क्या आ जाएगा, यानी कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ओड नंबर माइनस करें क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसमें स्टेटमेंटल कर लें, बता दूं कर लोगे, फिर भी प्रॉब्लम है तो बस वही बात है कि आप पर्सनली आप बोल दो। थर्ड है एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, एक्स है वो थ्री का एक मल्टीपल है। थ्री का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक्स में क्या है थ्री सिक्स, यानी कि जो तीन की टेबल में आते हैं तीन छः नौ बारह पंद्रह, तो इसका मल्टीपल ऑफ थ्री का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सीधा ही लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री। क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ है इस सेट का, यानी कि मल्टीपल ऑफ थ्री का जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री। क्लियर हो रहा है। आफ्टर दैट जो है फोर्थ में है कि एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कह दो कि नॉट ए प्राइम नंबर, समझ आ गया। दूसरी और आपको जो भी अपने माइंड से कुछ समझ में आता है उस तरह से और कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ऐसे लिख दो कि एक्स प्राइम नंबर नहीं है। फिर फिफ्थ है एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव, यानी कि क्या है जो भी अपना फिफ्थ पार्ट है या फिर मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिफ्थ पार्ट लेट ई सेट डाल दिया, द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव। ठीक है, तो थ्री एंड फाइव का मल्टीपल होने का मतलब ऐसा मल्टीपल जो थ्री का और फाइव का दोनों का मल्टीपल है, थ्री और फाइव दोनों का मल्टीपल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव, जो थ्री और फाइव का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यानी कि थ्री एंड फाइव दोनों का मल्टीपल कौन सा नंबर होता है, जो इन दोनों का एलसीएम है। थ्री और फाइव का एलसीएम क्या आ गया, फिफ्टीन, तो फिफ्टीन की टेबल में जो भी नंबर आएगा ना वो मतलब थ्री से डिवाइड होगा और फाइव से होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15, यानी कि जो 15 की टेबल में नहीं आता वो वाले आगे, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एक्स दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 या फिर एक्स इज एन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री, या फिर इतना ही डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि एक्स इज दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, सेवंथ पार्ट में कहता है द सेट ऑफ अपना सिक्स हो गया, सेवंथ में एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका हो जाएगा एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और एट्थ पार्ट जो है वो इसने दिया है कि एक्स इज दैट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 8, यानी कि आगे वाला जो दिया है सेट का नाम जो भी है, तो x द सेट ऑफ ऑल x दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसे सोल्व कर दो, यानी कि इसका वैल्यू निकाल लो क्या है, तो नाउ सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, सोल्व किया तो ये इधर आके माइनस करेगा कितना आ गया 3, यानी कि इसके अंदर क्या है 3 है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज करें तो ये सेट क्या आ गया, यहाँ पे डाल देंगे विच इम्प्लाइज एक्स सच दैट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट क्या आ गया 3, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा n माइनस 3, बस ये डाल देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3, 3 नहीं आएगा ना तो 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, समझ में आ गया। ठीक है, या फिर इसके आंसर कई हो सकते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा x दैट x इज
नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ये डाल दो एंड x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक, उसके बाद स्टेटमेंटल इसने बिल्कुल ऐसे दिया है कि नाइन्थ में भी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद x द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 इम्प्लाइज करेंगे तो 7 से बड़ा, यानी कि 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यानी कि नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, लेस देन 7 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज लेस देन 7। देखो यहाँ अगर इक्वल टू का साइन है तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा, समझ में आ गया। तो आफ्टर दैट x बिलोंग्स टू 1 एंड 11th पार्ट आप कर लोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, देयरफॉर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए, और अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी करवाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।